हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु साहरण आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम करेंगे अगे की कविता सांप। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, सांप एक जहरीला जानवर होता है, जीव होता है, जो डसने की प्रवृत्ति उसमें होती है। जब भी उसे मौका मिले वो डस लेता है। लेकिन यहाँ पर सांप एक जीव नहीं है, एक जंतु नहीं है, अपितु मानव है। इस कविता के माध्यम से कवि ने नगरीय सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया है। नगर में रहने वाले लोगों को सांप कहकर संबोधित किया है और उनके लिए कटाक्ष किया है। आइए जानते हैं कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सांप कहा है मानव को। वर्तमान समय में जो नगर में रहने वाला मानव है उसे कवि ने सांप कहा है। और क्या कहते हैं कि नगर में रहकर, क्योंकि नगरीय सभ्यता पढ़ी लिखी सभ्यता है, ऐसे माना जाता है कि नगर में रहने वाले लोग शायद ज़्यादा सभ्य हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। यानी तुम नगर में रहकर भी सभ्य नहीं हुए, अर्थात तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया, यहाँ आकर भी तुम्हें रहना नहीं आया। नगर में रहने वाले लोगों के प्रति कवि कैसे विचार व्यक्त करते हैं, स्वार्थ के कारण, कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, अर्थात अब भी नगर में रहकर भी तुम उसी प्रवृत्ति के हो, किसके, जो जंगल में रहने वाले जीव की प्रवृत्ति होती है, सांप की। सांप जंगल में रहता है, वहाँ वो डसता है या विष भरे रखता है। नगर में आकर भी तुम उस सांप जैसे ही बने हुए हो जो जंगल का जीव होता है या जंगल में रहता है। अब तुम नगर में रहने लगे हो लेकिन अब भी तुम्हें नगर में बसना नहीं आया। कवि प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग करता है, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। कि सांप तो जंगल में रहते हैं और नगर में रहकर तुमने डसना कैसे सीख लिया, यानी तुमने सांप की प्रवृत्ति कहाँ से ग्रहण कर ली। यहाँ पर डसने का मतलब है स्वार्थी भाव, स्वार्थ की प्रवृत्ति, केवल अपने भले के लिए सोचना, दूसरों को डसना या दूसरों को हमेशा डसने का प्रयास करना, अर्थात दूसरों को हमेशा नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति। विष कहाँ पाया, और तुम्हारे अंदर जो ये विष आ गया है, स्वार्थ रूपी विष आ गया है, जो मन में द्वेष का भाव आ गया है, ये तुमने कहाँ से प्राप्त किया। अर्थात जो सांप है वो स्वार्थी प्रवृत्ति का माना जा सकता है क्योंकि वो एक जंगल में रहने वाला जीव है, लेकिन तुम तो नगर में बसने लगे हो। लेकिन कवि कहता है कि तुम्हें ऐसा आया नहीं, तुमने ये बातें सीखी नहीं, अर्थात तुम सभ्य नहीं हुए। एक बात वो पूछना चाहता है, मानव से प्रश्न करना चाहता है कि तुमने ये डसने का भाव कहाँ से सीख लिया, तुम तो नगर में रहने वाले हो। जंगल में रहने वाले जीव का जो भाव है, जो उसकी विशेषता है या जो उसकी प्रवृत्ति है, स्वार्थीपन की प्रवृत्ति कहाँ से सीख ली, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे हृदय में विष भरा हुआ है वो तुमने कहाँ से प्राप्त कर लिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे कवि ने इन कुछ एक पंक्तियों के माध्यम से करारा व्यंग्य किया है वर्तमान नगरीय सभ्यता पर, जो नगर में स्वार्थपूर्ण वातावरण बन गया है उससे कवि काफ़ी दुखी हैं और इसीलिए इस काव्य के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करी है। सरल खड़ी बोली का इस्तेमाल आगे अपनी कविताओं में कर रहे हैं और वही इसमें भी किया है। प्रसाद गुण इसमें है लेकिन इसमें प्रश्नात्मकता आ गई है, प्रश्न पूछते हैं वो, तो प्रश्न अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और व्यंग्य किया गया है, मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं नगरीय जीवन पर, नगर में बसने वालों पर, तो यहाँ पर मुक्त छंद के साथ व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।